हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपके अपनी विलेज ब्लॉगर शिखा, और अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं नहा चुकी हूँ और बाबू को मैंने टिफिन उफिन तैयार करके उसे स्कूल भेज दिया, और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि गेहूँ का हलवा मेरे यहाँ डेली बनता है और आज तो मैंने भिगाया नहीं, मैं भूल गई, शाम को भिगाना ही। तो अभी मम्मी से पूछ के बनाती हूँ। अभी मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिया है, और मेरा ना ये वाला दांत अंदर वाला है, दर्द हो रहा है, तो मैं ना इतनी से मैं डेली नमक तेल करती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, नमक तेल। आप तो सोच रहे होंगे कि ये तो खाने वाली चीज़ है, लेकिन पता है आप लोगों को, अगर उसे कर लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है, मुझे दर्द नहीं होता। और पता नहीं क्यों मीठा उठा खाने की वजह से दर्द हो रहा होगा, तो अभी मैं वो करती हूँ, उसके बाद मैं भी कुछ खाऊंगी। देखिए, और ये देखिए, मैं नमक और तेल, मेरे हाथ में नमक है, उसमें मैंने तेल डाल लिया है। अब मैं इसी को करूँगी खूब अच्छे से, और अच्छा भी लगता है। पता है पहले वाले दिन मैं कर रही ना तो थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे, बड़ा अजीब नमक वाला फ्लेवर कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है, तो मैं करती हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छा लगता है। आप जब करेंगे ना तो आपके दांत एकदम चमक उठेंगे, पता है, मंजन से भी ज़्यादा। जो पेस्ट होता है ना, आप सब लोग करते हो, पहले मैं भी करती थी, लेकिन उससे मुझे कम लगता था। जब ये करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा लाइट करता है मेरे टीथ, और अभी मैं करूँगी इसे। पता है मैं ना नमक और ऑयल मतलब तेल करने के बाद थोड़ा सा ना मंजन कर लेती हूँ, उसके बाद ना बहुत अच्छा फील होता है। वरना एक दिन पता है मैंने ऐसे ही कर लिया था, उसके बाद ना मुझे बड़ा अजीब लगा फर्स्ट वाले दिन, तो फिर मैंने मंजन करके देखा, उसके बाद मुझे अच्छा फील हुआ। तो उसके बाद मैंने डेली नमक तेल करने के बाद थोड़ा सा मंजन कर लेती हूँ, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये देखिए, मैंने ब्रश कर लिया है, और मेरे दांत देखिए बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, लाइट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा बीच में जो गैप है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता ऐसे करने पे। और अभी मैं अपने लिए ना खिचड़ी बनाई हूँ, मेथी वाली, वही खाऊंगी, क्योंकि मेरा ना कल पेट दर्द कर रहा था, पता नहीं क्यों, तो मैंने सोचा कि खिचड़ी खा लूँ, ऑयल ऑयल जो भी होगा, क्योंकि मैंने समोसे खाए थे और कचौड़ी दम आलू, ये सब ऑयली फूड हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा पेट दर्द करता है। तो मैंने अपने लिए खिचड़ी बनाई है मेथी और चावल की, एकदम सिंपल, नमक डाल के वही खाऊंगी, फिर उसके बाद पेट मेरा सही हो जाएगा एकदम। और पता है जब पेट दर्द करता रहता है तो मेथी चावल नमक की खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, मतलब टेस्टी लगने लगता है, क्योंकि पेट दर्द होता रहता है तो और कुछ खाने का मन नहीं करता, और खिचड़ी रहती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो टेस्टी उतनी नहीं रहती, फिर भी मैंने ना इसमें अचार वाला मसाला डाल लिया था, उसके बाद मैंने खाया था, वरना ये तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती। और इसके लिए ना मैं आप लोगों को भी थोड़ी सी सलाह देना चाहती हूँ, क्योंकि ऑयल ना आप लोग भी बहुत कम खाइए। इतनी समय ना मेरे घर पे डेली मतलब बाबू के लिए पराठा बनता है, तो मैं भी सुबह सुबह खा लेती हूँ, शायद उसी सब की वजह से पेट मेरा दर्द कर रहा होगा। और ये देखिए मैंने मसाला डाल दिया, ये आप लोग भी खा लीजिए खिचड़ी मेथी वाली, मैं तो खाने जा रही हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।